आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। धड़ल्ले से चल रहा है आगरा में प्लास्टिक के ग्लास और कटोरी बनाने का कार्य। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बाद भी बन रहे हैं प्लास्टिक के ग्लास और कटोरी। ऐसे ही प्लास्टिक के ग्लास और कटोरी के गोदाम पर नगर निगम की टास्क फोर्स टीम ने सूत्र से मिली सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद 100 किलो माल जब्त कर 3 लाख का जुर्माना किया गया। आगरा में बेक ऑफ चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास और कटोरी बनाने का कार्य। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक आगरा में पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी इस तरह के मटेरियल बनाने और बेचने वालों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक कार्य एत्मादौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी हो रहा था, जहां नगर निगम की टास्क फोर्स टीम ने प्लास्टिक के ग्लास गोदाम में छापामारी कार्यवाही की, जहां उनको बड़ी तादाद में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास और कटोरियां मिली, जिसके बाद टास्क फोर्स के कर्नल ए के सिंह ने सारे माल को जब्त करते हुए जुर्माना किया। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला कि यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो हमने मौके पर छापा मारा। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी और करीब 1 क्विंटल हम लोगों ने फिनिश्ड मटेरियल इनका पकड़ा है और उसको हमने जब्त करके जुर्माना भी किया है। हमने इन पर 3 लाख रुपए जुर्माना किया है। टास्क फोर्स के कर्नल ए के सिंह ने बताया कि उन्हें सूत्रों के हवाले यह खबर मिली कि थाना एत्मादौला क्षेत्र में एक अवैध रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लास और कटोरी फैक्ट्री में बन रहे हैं, जिसके बाद कर्नल ए के सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टास्क फोर्स टीम ने छापेमारी कार्यवाही को अंजाम दिया और वहां जाकर देखा तो ग्लास कटोरी बनाने की केवल मशीन है, प्लास्टिक के ग्लास कटोरी बन नहीं रहे हैं। और करीब 100 किलो के करीब माल को उस गोदाम से बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है और इसके बाद गोदाम मालिक का 3 लाख रुपए का जुर्माना भी नगर निगम टास्क फोर्स टीम द्वारा किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।